सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद चैनल को और दबाइए बेल आइकन को न्यू एजुकेशनल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए, जिसमें आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जीके और कुछ टाइपिंग रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद चैनल पर और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड डेज में। यह स्ट्रेटेजी आपके किसी भी काम में आ सकती है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में काम आ सकती है। फिर चाहे आप लोग एयरफोर्स का सिलेबस कवर करना चाहते हो या एनडीए का सिलेबस कवर करना चाहते हो या बीएसएफ या नेवी का, चाहे आप लोग ट्वेल्थ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब भी आपके काम आएगी। तो इसमें जो बात है आप लोगों को फॉलो करनी होगी और आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी आप लोग इस चीज को फॉलो कर पाओगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी काम के सफल होने के पीछे एक बेटर प्लानिंग जरूरी है और आप सभी को वही करनी होगी। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड डेज में, तो आप लोगों को उसके लिए सबसे पहले करनी होगी एक बेटर प्लानिंग, और उस चीज के लिए आपको लगेगी डायरी और एक पेन, और वो आप सभी के पास होगी। और आप लोगों को उस डायरी पे क्या लिखना है, कैसी प्लानिंग करनी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आपको किसी भी एग्जाम की जैसे तैयारी करनी है, मान के चलिए एयरफोर्स की करनी है या नेवी की करनी है या एनडीए की करनी है या बीएसएफ या किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा उसका एक टेस्ट, यानी कि आपको सबसे पहले एक सैंपल पेपर को सॉल्व करना होगा और उससे आपको अपना स्तर, अपनी औकात का पता लगाना होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं, आप लोग इस एग्जाम के लिए कहां पर स्टैंड करते हो। तो उसके लिए आपको सॉल्व करना होगा एक प्रीवियस पेपर या सैंपल पेपर बोल लीजिए, और आपको उस सैंपल पेपर को उतने ही समय में सॉल्व करना है जितना समय आपको एग्जाम में मिलता है। मान के चलिए अगर आप लोग फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हो एयरफोर्स के लिए, तो आप लोग फिजिक्स के सैंपल पेपर को सिर्फ 20 मिनट में ही सॉल्व करोगे। अगर तीनों को मिला लिया जाए तो तीनों के लिए जो जो टाइम होता है वो आपको लगा देना है 20-20-20 मिनट। आप लोग इस चीज को किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जितना जितना टाइम आप लोगों को मिलता है उसके हिसाब से। अब एयरफोर्स में 20-20-20 मिनट मिलते हैं, तो आपको सिर्फ फिजिक्स को 20 मिनट में ही करना है और मैथ को भी 20 मिनट में ही करना है। ये तो हुआ सैंपल पेपर को सॉल्व करना। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको उसी तरीके से चेक करना है, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको करनी होगी। उसके बाद आपके जो भी नंबर्स आते हैं बिना तैयारी किए हुए, मान के चलिए 7 आए, 10 आए या 11 आए, आप लोगों ने पता लगा लिया कि आपके इतने नंबर्स आए, अब आपको क्या करना है, उस सैंपल पेपर से आपको वो चैप्टर्स पिकआउट करने हैं जो चैप्टर्स में आपको दिक्कत है, जो चैप्टर्स आप लोगों पर नहीं आते या जिन चैप्टर्स से आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो अब आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स की आपको लिस्ट बना लेनी है। मान के चलिए 20 यूनिट है फिजिक्स में और 20 में से आपकी 15 यूनिट आपकी ऐसी हैं जो आपको नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उन 15 यूनिट्स को अब आपको अपने टाइम के हिसाब से उसे डिवाइड कर देना है। मान के चलिए आपके पास 30 दिन है यानी एक महीने का समय है, तो आप लोगों को उस सिलेबस को उस 30 दिनों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपके पास और कई सारे काम होते हैं, जैसे कि आप में से कई लोग कॉलेज भी जाते होंगे, कोचिंग्स भी जाते होंगे, तो आपके पास ऐसे कई सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, तो इसलिए आपको सिलेबस को उस 30 दिन के अंदर डिवाइड कर लेना है। और आपने सैंपल पेपर क्यों दिया, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करना पड़े। पूरा सिलेबस से मतलब है कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करने बैठते हो तो आप लोग उन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले करते हो जो चैप्टर्स आप लोगों पर आते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता चलता है और हमारे दिन पे दिन कम होते चलते हैं। तो आपको इसीलिए सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, जिससे कि आपके वो चैप्टर्स बाहर आए जो आपको नहीं आते हैं। अब मान के चलिए 15 यूनिट हो गई आपकी 20 में से, अब उन 15 यूनिट को आपको डिवाइड कर देना है मंथली में, और मंथ में आपके 4 सप्ते होते हैं, और 4 सप्ते में से आपको 3 सप्ते में उस सिलेबस को डिवाइड कर देना है। 15 चैप्टर्स आए थे तो आपको 5-5-5, या आपके 12 आते हैं तो 4-4-4, इस तरीके से आप लोगों को डिवाइड कर देना है। आपका जो चौथा वीक है वो आपको अभी पता चल जाएगा वो किस लिए है। जो 5-5 चैप्टर्स आए वो आपके वीकली में डिवाइड हो चुके हैं। अब वीकली के बाद आपको जाना होगा डेज में, यानी आप डे 1 में क्या करोगे, डे 2 में क्या करोगे, डे 3 में क्या करोगे, और डेज में टूटने के बाद अब आप लोगों को उस सिलेबस को तोड़ना होगा आवर्स में। आवर्स आपके होंगे क्योंकि आपको कई सारे काम होते हैं, तो वो आवर आपके होंगे, वो आपको डिसाइड करने होंगे कौन से आवर है। अभी आप लोगों ने जैसे कि वीक में उसको डिवाइड कर लिया 5-5-5 चैप्टर्स, अब आपको उन्हें डे में डिवाइड करना है। तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे वीक 1 में ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वीक 2 में मुझे ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और वीक 3 में मुझे ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक लिस्ट बना ली है डायरी में, और आपको वीक में सिर्फ 6 दिन को यूज करना है। 6 दिन को ही क्यों यूज करोगे, 7वें दिन आप लोग क्या करोगे, यानी संडे के दिन आप लोग क्या करोगे, संडे के दिन आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे जो आपका इस वीक में कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी वीक 1 में अगर आपके 4
चैप्टर कंप्लीट हुए, यानी एक चैप्टर आप लोगों का रह गया है, तो आप लोग उस चैप्टर को संडे के दिन कंप्लीट करोगे। आप लोग उस चैप्टर की वजह से उस चैप्टर को नहीं छोड़ोगे जो आपके आगे आने वाले हैं, तो आप लोग उसको संडे के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके डेली लाइफ में कई सारे काम आ जाते हैं, जैसे कि तबीयत खराब होना, कोई रिश्तेदार घर पे आ जाना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, आप लोग उसकी वजह से स्किप कर जाते हो, जैसे करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास है अभी संडे, तो संडे को आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद आप लोग एक और सैंपल पेपर लगाओगे, एक और टेस्ट दोगे, और आप लोग अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करोगे कि आपके अगर पिछली बार मान के चलिए 10 नंबर आए या 5 नंबर आए या जितने भी नंबर आए, तो आपका गोल यही होना चाहिए कि जो पहले नंबर आए थे उसमें कुछ नंबर इंक्रीज होकर आए, चाहे एक नंबर ही क्यों ना बढ़कर आए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जी हाँ, वो कहेगा कि हाँ आपकी अब तैयारी कुछ बढ़ रही है। तो धीरे धीरे करके आपकी ऐसी तैयारी बढ़ती जाएगी, ऐसे वीक 2 में करना होगा, ऐसे वीक 3 में करना होगा, ये तो हो गया वीक का काम, लेकिन अब करेंगे हम डे का काम, डे में क्या करना होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने आज सैंपल पेपर दिया, आज की ही नाइट को आप लोगों ने प्लानिंग कर ली, ये चैप्टर आपके इनकम्प्लीट है, इनको आपको करना है, अब क्या करोगे, इसे डे में कैसे डिवाइड करना है, डे में डिवाइड करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग कल के लिए तैयारी करते हो, मान के चलिए आज संडे है, तो आपको मंडे की प्लानिंग आज ही रात को करनी होगी, आपको ये बताना होगा कि आपको ये कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, और चैप्टर कंप्लीट करने से मतलब है आप लोग सिर्फ एक वीडियो ही देखकर नहीं, या आप लोग सिर्फ पढ़कर ही नहीं उसे कह दोगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट करने से मतलब होता है कि आप लोग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्लस उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास उन सभी को कंप्लीट करो, तब आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी करना है, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जो भी है उसको कंप्लीट करना है, तब आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो मंडे को आप लोगों ने ये काम किया, फिर आपको ट्यूसडे की प्लानिंग आपको मंडे की नाइट को करनी होगी, इस तरीके से आपको डे बाई डे प्लानिंग करनी होगी। और अगर आप लोग सोचो कि एक दिन में ही मैं सारी प्लानिंग करके रख दूं, तो ये सब चीज़ बेकार होगा। अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बेटर प्लानिंग करने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप लोग प्लानिंग किए बगैर जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट क्या, आपसे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप आज कर लोगे जो उसकी वजह से कल कर लोगे, 2-3 दिन बाद आप लोग उसे भूल जाओगे और आपका सिलेबस पेंडिंग में पेंडिंग होता चला जाएगा। तो इसलिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए सिलेबस को भी कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको डे बाई डे प्लानिंग करनी होगी, नाइट में आपको प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कल ये करना है, और आपको रेस्ट भी जरूरी है। मान के चलिए आप में से कई लोग कॉलेज भी जाते होंगे, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, जो भी कॉलेज टाइम रहता है वहां पर आप लोग जाते होंगे, या कोचिंग्स में आप लोग जाते होंगे, वहां से आने के बाद आप लोगों को रेस्ट करना है, रेस्ट इज मस्ट। रेस्ट नहीं करोगे तो आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा, तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और कई सारी चीजें होती हैं जो आप लोग करते हो डे टू डे लाइफ में, तो आप लोगों को वह भी करनी है, तो इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। तो आपको वहां से आकर रेस्ट करना है, फिर उसके बाद आपको वह चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और आपके वो डेफिनेट सी बात है वो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। अगर जो कुछ भी रह जाता है वो आप लोग संडे के दिन करने वाले हो, और संडे के दिन ही आप एक और टेस्ट लोगे, यानी आप 3 वीक्स में आप लोग उस सिलेबस को कंप्लीट कर भी लोगे और उसके ऊपर टेस्ट भी दे लोगे। मान के चलिए आपका कोई चैप्टर है जो संडे को भी नहीं हो पाता है, तो आप लोग उसे नेक्स्ट संडे के दिन करोगे, और नेक्स्ट संडे को भी नहीं हो पाता तो आप लोग उसे छोड़ दोगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग हर चैप्टर को कंप्लीट कर पाओ और आप लोग हमेशा 100 out of 100 लेकर आ पाओ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एवरेज और लोअर पर्सन की। तो आप लोगों को अपनी कैटेगरी पहचाननी है, आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ये रियल फैक्ट है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा 30 out of 30, 40 out of 40, 100 out of 100, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर सभी के ऐसे आ जाएंगे तो एग्जाम बेकार है। तो ये कुछ रियल बातें हैं। फर्स्ट वीक में जो आपने सैंपल पेपर दिया उसमें मान के चलिए आपके 2 या 3 नंबर इंक्रीज हुए, डिक्रीज नहीं होने चाहिए, डिक्रीज होते हैं तो आप लोगों ने तैयारी नहीं की है। और हर संडे को आपको ये टेस्ट देना जरूरी है, और आप लोग अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करते हुए चलिए, और मान के चलिए आपके नंबर्स आ रहे हैं 14 out of 25 या जितने में से भी आ रहे हों, आपको वहां पर 2 या 3 नंबर बैक ही लेकर चलने होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जब हम जाते हैं तो वहां पर कंडीशन अलग होती है। घर पर जब हम
उस पेपर को देते हैं तो हम उस समय कंफर्ट जोन में होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारे दिमाग में पूरा सिलेबस घूम रहा होता है प्लस टाइम हमारे दिमाग में घूम रहा होता है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज पे ओवरकम करने के लिए आपको घर पर भी ऐसी ही सिचुएशन बनानी पड़ेगी। आपको हर बार पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व करना होगा और उसी टाइम में ही सॉल्व करना होगा और कोशिश करना होगा जो टाइम होता है 20 मिनट का उससे भी कम समय में आप उसे कवर कर पाओ, तो एग्जाम फियर भी आपका यहाँ से निकल जाएगा और आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। अब बात करते हैं चौथे वीक की, जो चौथा सप्ताह रह गया था उसमें क्या करोगे। मान के चलिए आपके ये तीनों वीक्स में सिर्फ एक 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 चैप्टर रह गया, यानी तीन चैप्टर आपके ऐसे हैं जो अभी भी रह गए हैं इतनी तैयारी करने के बावजूद, जो कि अक्सर होता है। मान के चलिए अब आपके पास तीन चैप्टर्स रह गए हैं और आप लोग उस हफ्ते में कंप्लीट करोगे जो आपका लास्ट वीक रह गया है एग्जाम से पहले, और उस समय आप लोग पूरे सैंपल पेपर्स को कवर करेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, तीनों को एक एक करके कंप्लीट करते हुए जाइए और डेली आपको उस समय आप सैंपल पेपर्स को कवर करना होगा। और जब आप लोग वीकली में तैयारी कर रहे हो, डे बाय डे तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर को नोट कीजिए और पेज नंबर को नोट कर लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत दोबारा पड़ेगी। तो आप लोग उसे लास्ट वीक में भी प्रैक्टिस करोगे, और या कोई ऐसी चीज है जो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में भूल जाते हैं उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत है, तो आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे कि किसी चीज के बढ़ने से ये चीज कम होती है, इस चीज में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस चीज को आप लोग नोट करते हुए जाइए। पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ उसी चीज को लिखना है जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या होती है, इम्पोर्टेंट वह चीज होती है जैसे कि किसी चीज का बढ़ने से किसी चीज पे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आपका नई कैटेगरी का आता है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन चीजों को नोट करते हुए चलिए, जिसे आप लोग लास्ट वीक में करोगे प्लस सैंपल पेपर्स को कवर करोगे, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी सिलेबस को लिमिटेड टाइम में या जो भी टाइम आपके पास है उस टाइम में कवर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आपकी पहले से कितनी तैयारी है। तो इस वीडियो में जो हमने सीखा उसको हम समरी करेंगे। सबसे पहले आपको देना सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आया उसकी एक एनालिसिस करके चैप्टर्स की लिस्ट बनानी, मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर, लिस्ट बनाने के बाद आपको उसे डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू द लिमिटेड टाइम, डिवाइड इनटू द लिमिटेड पीरियड, जो भी आपका समय हो, जो भी आपके पास समय बचा हुआ उसमें डिवाइड करना होगा। फिर उसे आपको वीकली डिवाइड करना होगा अगर मंथली का टारगेट है, अगर वीकली का टारगेट है तो आपको डे बाई डे उससे डिवाइड करना होगा। वीकली में डिवाइड करने के बाद फिर आपको उसे डे बाई डे डिवाइड करना होगा, और डे बाई डे डिवाइड करने के बाद आपको उसे आवरली डिवाइड करना होगा, और जो आवरली आप लोग करोगे वो आप लोग एक दिन पहले करोगे जो आपका अगले दिन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों इस तरीके से करना है, और हर संडे को एक टेस्ट देना होगा जिससे कि आप लोगों की प्रोग्रेस का पता चलता रहेगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस किस हद तक बढ़ रही है। फिर आपको लास्ट वीक में सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना होगा जिससे कि आप लोगों का एक परफेक्ट सिलेबस कंप्लीट होगा, एक आप लोग अच्छे तरीके से टेस्ट भी दे पाओगे, आपकी टाइमिंग भी सुधरेगी, आप लोगों को लिमिटेड टाइम में किसी काम को करने की आदत पड़ेगी। यही एक तरीका होता है कि किसी भी चीज को कंप्लीट किया जा सकता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद आपको मदद मिलेगी। आपको ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए या मोटिवेशन के लिए ही नहीं देखनी, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अभी जाइए, सैंपल पेपर दीजिए और एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं, फिर उसे वीकली डिवाइड कीजिए, फिर उससे डे बाई डे डिवाइड कीजिए, और फिर उसे आवरली डिवाइड कीजिए कि मैं इस समय पर ये काम करूंगा। इस तरीके से आप लोग किसी भी चीज को कंप्लीट कर सकते हो लिमिटेड टाइम है। किसी भी एग्जाम से पहले ये एक स्ट्रेटेजी होती है प्री प्लानिंग सबसे जरूरी है। इसके बगैर अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के सक्सेस रेट काफी कम होते हैं, फेलियर रेट ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग मस्ट है, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। यहाँ पर हमने आपको ना ही किसी चैनल के बारे में बताया, ना ही आपको किसी बुक के बारे में बताया, कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर कि किस एग्जाम के लिए कौन सी बुक का यूज करना चाहिए, तो आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि वह भी इस चीज के ऊपर ओवरकम कर सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आप लोगों को आने वाली अगली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।